हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज गए सुबह के 11:30 और हमको उठना था अराउंड, मतलब उठना तो क्या था, निकलना था हमको अराउंड 10, बट हम सो चुके हैं लेट क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही थी। हमने गेम्स भी खेले रात को। सो अब हम जा रहे हैं चिकमंगलोर एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर चिकमंगलोर। चले रेडी रेडी फॉर द डे, लेट्स गो। ये बोरिंग हो जाए। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं लाइन गिरी। कौन से ले? नावे हीरों के कलोल होते हैं। गरम हो गई होगी बहुत। ठंडी गरम हो रखी है ना, नीचे धूप हो रखा है ना। मैंने गेट जैसे ओपन किया, ये सामने आया, मैं 2 मिनट बाहर खड़ा रहा। मैंने कहा था थोड़ी होता है करना, तो अंदर जाना है। हाँ, पहले हाँ जाएंगे। अरे सही, यहीं पे खड़े हैं वैसे भी, मुड़ा नहीं तो है। यहाँ आके मुड़ा लो। बंद 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 करो, करो करो भाई, बंद करो। अभी कैमरा ऐसे क्रश होता हूँ, पहले मेरा हाथ जाता। नहीं, हाथ यूं था ना। अरे भाई बहुत धूप है, थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं। अंदर बैठ के बताओ कैसा लग रहा है? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत गंदी कर रहा हूँ। ट्राई तो कर, बहुत बार कर चुका, आज नहीं। लोगों को एक्सपीरियंस देखना है जरा। तो उनको एक्चुअल एक्सपीरियंस खुद बैठ के मिलेगा। तो अपनी गाड़ी को 1-2 घंटे आराम से धूप में रखो, 1-2 घंटे नहीं, ओवरनाइट रखो। सुबह आराम से गर्म होने दो 5-6 घंटे, और 12-1 बजे तक आप जब कड़क की धूप में निकलो तब ट्राई तो करो। कैसा लग रहा है? बटन तक टच जाना इधर से है ना? पता नहीं। हाँ जाना तो इधर से। वैसे सूख गया होगा आपको ना। चाहिए क्या? ला लो भी, तू ही ला लो भी भाई। बहुत गर्म है कार, बहुत गर्म, बहुत गर्म। अब वो सूख गया होगा क्या? रास्ता तो चालू हो गया होगा ना, समझो ना। हाँ, वो इतनी धूप में हो जाना चाहिए। एकदम। मैं एक काम करती हूँ, फिगर पिज़्ज़ा को यार, ये बहुत सही आ रहा है। देखो फ्रेम में, देखो डोमिनोज से आ रहा है, कैलाश पर्वत से आ रहा है, खान समा में आ रहा है। डोमिनोज कर लेते हैं, वहाँ भीड़ भी कम होगी और ऑर्डर नहीं होगा तो पिज्जा लेके कार में खा सकते हैं। 2 मिनट का चलो, ज्यादा डोमिनोज का लगा लो। दूर जो मेरी याद आ रही थी। और क्या, तुम लोग अंदर बैठे हो, मैं अकेला बैठा हुआ, कोई सोच ही नहीं रहा मेरे बारे में। मैं सोच रही हूँ, मैं आ गई तेरे पास। आई कॉल्ड द डैनिक आई ना। अंदर आके खींचता था तो फिर सीरियसली। हां, यू नो ये इसको रोक थोड़ी सकते, नेचुरल चीज है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं यार, नाम इतने कहीं तो पहुंच जाएंगे। हाँ, मल्यानगिरी पीठ इतना कुछ है, वो वहाँ जाना है। इट्स द पीक जहाँ शायद सनसेट देखने मिल जाए तो बेटर है, बट बादल हुए तो शायद वो नहीं देखने मिल जाए। सो होपिंग, अभी मौसम थोड़ा सुहाना है, सुहाना है, बट एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। मौसम मस्ताना मस्ताना रास्ता अनजाना। ऐसे वाले नहीं चाहिए।
चल जूठा अभी रेडी हो रहा था तब की है मैंने पूछना पड़ता ना मैंने बोला अच्छा लग रहा है मैं पूछना पड़ता और बाकी हाफ बाकी हाफ इधर दे दो निकाल के एक काम करो ताको तुम यहाँ इस पे रखो वो जगह खाली जगह उसमें पिज़्ज़ा अब मेरे पास पूरे 2,000 रुपए किसी को भी खरीद लो मैंने 2,000 रुपए 200 रुपए का खरीदे 2,200 रुपए में खरीदे भाई 200 रुपए नहीं और ऊपर है इधर 2,000 आ गया ना तो 200 में खरीदे और ऊपर सीधा ही ये यहां पे नहीं लेफ्ट है ना भाई पार्किंग सी है जाएगी अब हां स्विफ्ट आ रही है ना ओए होए ओए होए चल लो ये एडवेंचर हो गया गाड़ी को धक्का दे रहे चलता रे रुक जा जल्दी बैठो मुझे लगा मेरे पास है ये बड़ा इतना है तो भर क्यों नहीं देते इसको तो इनका काम कैसे चलेगा फिर भरोसा नहीं कि इन्होंने ही खोदा हो दूसरा नहीं बारिश होती है ना तो ऐसे हो जाता है कितना मर्जी भरे इसको नहीं बट ये करते भी रहे होंगे ना कर भी दे तो वे पहाड़ों पे जब तक पक्की रोड नहीं बनेगी गड्ढे भरते रहेंगे क्या सही व्यू आ रहा है उधर देखो वहाँ पे बादल देखो बादल ओए ओए वो वहीं खड़े थे उस पीक पे वो पीक है तो फिर कहाँ लेके जा रहे हो तुम नहीं असली पीक तो वो है वहाँ पे भी फोटो अच्छी आती है लेकिन वो बादल देख रहे हो ठीक है भाई ऐसा रास्ता चल जाएगा ऐसे मैंने वो तुम लोग गए थे पता है मेरे को मतलब मैं नहीं आया था वहाँ पे तुमने फोटो किया वो यही था मैं आज तक ऐसे नहीं देखा मैंने तो देखा है हमारे घर पे रहता है मस्त लग
है कि नहीं है। देखो क्या सही से पहना नहीं अभी भाई, क्या क्या सांस लेनी है मेरे को, बड़ा लग रहा है बोल दो क्या बड़ा पेट दर्द क्यों है। ठीक है, डबल चलने वाले चार रंग होते हैं, चार इंसान को देखना भी है लेकिन धूप भी है तो क्या करे, वो डबल चश्मा लगाएगा, अंधे लोगों का सहारा। मैं जो 3D वो ऐसे आता है ना, 3D मूवी देखने जाता है ना, तब भी मैं ऐसे डबल चश्मा लगाता हूं। Oh!
सुन तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था भाई। ब्रो ब्रो कैसा लगा? बहुत सेक्सी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लास्ट में जो किया ना वो तो लास्ट में एकदम अनएक्सपेक्टेड था। निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।